8 सालों में अमेरिका में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भारतीय भाषा बनी हिंदी। अमेरिकी में सबसे अधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषाओं में से एक है हिंदी। इसके बाद गुजराती और तेलुगु भाषा दूसरे और तीसरे नंबर पर आती है। हालांकि अगर 2010 के आंकड़ों की तुलना 2017 के आंकड़ों से की जाए तो अमेरिका में सबसे अधिक बढ़ोतरी तेलुगु बोलने वाले लोगों में हुई है, जो 86% की है। अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे के डेटा के अनुसार अमेरिका में करीब 21.8% लोग अपने घर में अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अमेरिका की कुल 30.5 करोड़ की आबादी में से 6.7 करोड़ लोग अपने घरों में विदेशी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में 8.63 लाख हिंदी बोलने वाले लोग मौजूद हैं। वहीं तेलुगु बोलने वाले 4,15,000 लोग हैं और 4,34,000 लोग वहाँ गुजराती बोलते हैं। सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज ने इस डेटा का अध्ययन किया है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका के टेक्नोलॉजी सेक्टर में आंध्र प्रदेश के बहुत सारे लोग काम करते हैं। वहीं हिंदी और गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों में क्रमशः 42% और 22% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी के 5 बड़े शहरों में 48% लोग अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर लॉस एंजेल्स में 59% और न्यूयॉर्क में 49% लोग दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इनॉक्सो मल्टीमीडिया एंड प्लीज सब्सक्राइब अस एंड प्रेस बेल आइकॉन।